कि आप पिछले वाले इलस्ट्रेशन से हम लोग यही समझे कि जितने सुन लो एक बार कि जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर वोल्टेज डिफरेंस कम होगा तो करंट का अमाउंट कम जाएगा, वोल्टेज जो थी तो ही बार बार पॉइंट आउट हो रहा है। जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा ज्यादा, और जितना कम वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना कम वोल्टेज फ्लो करेगा। जैसे वो दो केस था, एक में वोल्टेज डिफरेंस सिर्फ 1 वोल्ट था और दूसरा में वोल्टेज डिफरेंस 9 वोल्ट हो गया था। तो लेसर द वोल्टेज डिफरेंस लेसर द करेंट, या ग्रेटर द वोल्टेज डिफरेंस सी कंटिन्यू, ग्रेटर द वोल्टेज डिफरेंस ग्रेटर विल बी करेंट एंड लेसर द वोल्टेज डिफरेंस लेसर विल। आप बताओ वोल्टेज डिफरेंस और करेंट में डायरेक्टली रिलेशन है कि इनवर्सली रिलेशन? एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ा, एक के घटने से दूसरा भी घट गया, तो ये डायरेक्टली ना हुआ? इनवर्सली होता है, एक बढ़ा दूसरा घटा, उल्टा हो जाता है। ये बात तुम लोग 12 में आ गया, समझ गया, समझ रहा है आराम? तो यहाँ पे एल वी और आई के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली यही है ओम्स। यही क्या है ओम्स कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करेंट। समझ गया? डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करेंट। देख अगर किसी को डॉट है तो डेल भी डॉट जस्ट, इसको याद करने में कोई दिक्कत? इतना समझाया है कि याद करना प्लीज कीप साइलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करेंट। हमको सुना देगा ऐसे ही डिटो सुना तो ज्योति खड़ा अच्छा खड़ा हो जाती खड़ा यही है बताया वो बोले पता नहीं तू खड़ा आज तो तू बता देगा तो खड़ तू बता दे नहीं अभी तू खड़ा हो जाती तू खड़ा हो ये कैच नहीं कर पाता आज तो ज्यादा इसमें थोड़ा सा कैचिंग पावर कमजोर है। प्रशांत बता देगा, प्रशांत बता देगा लैंग्वेज में बोलो जो हम बोले तानिया बताओ नहीं अब कोई रिपीट नहीं करेगा कोई अगर पकड़ नहीं करेगा अर्पणा तुम बताओ कुछ नहीं तुमसे सुनेंगे ओके तुमको जो बताना था बता दिया मेरा टर्न ओवर हो गया तो बैठ जाओ पता होता नहीं। पोटेंशियल बीच बीच में उधर भी घुमाते रहना तो ये लोग का बदमाशी बंद हो जाएगा पूरा दुनिया देखेगा कि सबका हरकत। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करेंट। लेकिन अभी मेरा ओम्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट लगाएंगे नियम हम लोगों का प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट कांस्टेंट लगाएंगे देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे वो आर होता है, वो क्या होता है आर लिखेंगे वेयर आर इज कांस्टेंट, वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल रेसिस्टेंस, कॉल रेसिस्टेंस आर। इस रेसिस्टेंस का ऐसा क्या होता है रो, आशुतोष रो ओम होता है। तीनों बैठ जाते तीनों बैठ तो आर कांस्टेंट है, आर क्या है कांस्टेंट है। तो वेयर आर लिख दिया डेल वी इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू या
जनरली इसको जनरली तो किताब में कहीं कहीं एल भी की जगह भी का भी इस्तेमाल होता है और लिख दिया जाता है कि वेर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस वेर भी ये, तो किसी किसी किताब में तो भी बराबर डायरेक्ट आई मार दे जहां भी लिख देगा वेर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर आई आर। अगर कोई किताब में भी बराबर आई आर दिया तो वहां कंफ्यूज नहीं करता, अगर डेल भी बराबर भी आई आर दिया तो वहां पर भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अब ये रेसिस्टेंस जो होता है ना, रेसिस्टेंस कंडक्टर के लिए कुछ अलग मायने रखता है और सेमी कंडक्टर के लिए अलग मायने रखता है। फोर कंडक्टर कंडक्टर के लिए जो होता है फोर कंडक्टर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टेम्परेचर टी टेंस टू टाइम नहीं टी टेंस टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर ना बढ़ा ना घटा रेसिस्टेंस भी ना बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो रेसिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब तुमको अगर रेसिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखना है तो जहाँ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहा है वहाँ के रूम टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखे है वेयर आर इज कॉन्स्टेंट, आर कब कॉन्स्टेंट होगा, आर कब कॉन्स्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, जब टी कॉन्स्टेंट होगा, जब टी कॉन्स्टेंट होगा, जब इसका मतलब ये भी बराबर आई आर प्रोपोर्शनल घटा के आर लिखे है, लिख दिए साथ साथ वेयर आर इज कॉन्स्टेंट, आर टी पे डायरेक्टली डिपेंड है, आर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए सबसे पहले किसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, किसको रखना पड़ेगा, टी को, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा एट टेम्परेचर टेंस टू कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट ए मेरा दोनों पीरियड खत्म हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा ओम्स लॉ, अब ये हो गया, अब इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करेगा, लिखेगा एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। अब समझ गया ना पूरा, सब क्लियर हो गया ना सबका, सुनो एक बार मेरा ध्यान से, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। सबका क्लियर, लिख इसको, ये ऊपर वाले को मिल जाए, ऊपर वाले बस एक स्टेटमेंट लिखना है हमको, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर शॉर्टकट में लिखते हैं, तुम लोग उसको फ्रेश से लिख देना, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए वायर, टू पॉइंट ऑफ ए वायर is directly proportional to the flowing current, flowing current that is del v is directly proportional to I curve at a constant temperature when temperature is constant. इसके साथ ही ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन खत्म हो गया, कल इसको अगले क्लास में इसको और ज्यादा थोड़ा डिराइव करेंगे, हमको याद करा देना कि हम इतना तक पढ़ाए। इसके साथ ही ऑफ कर दीजिए।